नजर नाल बदल दे, इक नजर नाल बदल दे हिम्मत दिया लकीरां
जयपाल करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री। गिनती आ रहा है संगत के चरणे च, संगत ध्यान करना सुने। अज तुसी श्री गुरु रविदास महाराज उहा यात्रा चलती है, तो मेहरबानी करिए भैन लाइने च गै चलन, भाई भी लाइने च चलन, दो लाइन यात्रा बिच आई जाते हैं। इस वास्ते तुसें अपनी जेबें का ते कुछ ने लगाए दा है, उत्थे ज्यादा भीड़ नहीं पाई, रोड उपर ही चला, फुटपाथ उपर चलने की कोशिश नहीं, मगर जिन्नी भी है काफी। नम ध्यान दरनम साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारिया ही संगतां नूं दस वजों जय गुरुदेव। अज असीं सारिया ही संगतां श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 646वें प्रकाश दिवस में समर्पित जो शोभा यात्रा है उहदे विच शामिल होए हां। बेशक कल तो ही वर्खा लगी हुई है, पर फिर भी जिन्हां दा संगतां दा प्यार है, प्रेम है, वह गुरु घर विच पहुंच गई। मैं सुनता रहा गुरबाणी दे विच कि गुरमुख बर्फ वरसदी होवे, कोरा पैंदा होवे, ते चाहे जेठाहड़ दी तपस होवे, इहदी चिंता ना करदा होया गुरु सेवा च पहुंच जाया करदा। वो तुसीं कीता गुरु प्यारी सतसंगत जी जिस महान रहिवर दा तुसी जन्मदिन मनाण लई पहुंचे, उहनां नूं जुग पलटाऊ रहिवर भी कहे। जुग पलटाऊ, जुग नूं पलट देना, ते उहनां नूं कईआं ने कहा उल्टी गंगा बहाण वाला, उल्टी गंगा दा पाव, उह काम जिहड़ा आम लोग करदे हुण उहदे उल्टा करना, ते उन्नू कह देंदे उल्टी गंगा बहान। जन्म लैके नीच बंदा। एक स्वर स्वामी गुरदेव जी महाराज ने जो प्रवचन पेश किए वो सोने पर सुहागा था, और आज की इस पीड़ित शोषित वंचित समाज को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया कि जो भी क्रांति देश में आएगी पढ़ने लिखने के बाद ही आ सकती है। जिस तरह के भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया है, वो क्या मंत्र है पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, और वो संघर्ष जो है इतना हो जिसमें हमारे समाज के जितने भी सदियों से लताड़े हुए पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी दिशा बदले। याद रखिए कि आज से 646 वर्ष पहले इस समाज की क्या दुर्दशा थी, ना पढ़ने का हक था, ना लिखने का हक था, ना अच्छे कपड़े पहनने का हक था, ना शिक्षा का कोई हक था, और उस युग में उन्होंने तन तनहा भक्ति की मूवमेंट में भरपूर हिस्सा लेके इस सूही कौम को जगाया, और अपनी भक्ति और शक्ति के बल पर साबित कर दिया बड़े बड़े अहंकारी राजाओं को भी इनकी जो कुर्बानी है उसके आगे उन्होंने नतमस्त होकर उनके शिष्य बन गए। आज युग बदला है और आज
फिर दोबारा हमें गुरु महाराज की शिक्षा पर चलने के लिए इकट्ठे होना है और समाज में योगदान देना है, और इस कार्य के लिए हमें पूरे समाज का सहयोग चाहिए, हमें हर सभा सोसाइटी का योगदान चाहिए, हमें सरकार का भी योगदान चाहिए, हमें एलजी साहब का भी योगदान चाहिए, हमें मरकजी सरकार का भी योगदान चाहिए, ताकि हम सरकार के सहयोग के साथ जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बच्चियां पढ़ लिख के घर बैठी हैं, उनको रोज़गार मिले, तभी जाके हम लोग खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। गुरु महाराज का प्यारा शब्द, हरी सो हीरा छाट के करे आन की आस, तै नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। हम लोग जब परमात्मा का आसरा लेके काम करेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, और फिर तभी जाके हमारी ये किस्मत बदल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अगला कार्यक्रम कब है, कितनी तारीख? अगला कार्यक्रम हमारा 5 फरवरी को है। 5 फरवरी को पूर्णमासी है और श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन जो है वो 5 दिन को पूरे आलम में मनाया जाएगा और हमारे कठुआ में मनाया जाएगा। उस दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? उस दिन हमारे कार्यक्रम में जिला के डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब राहुल पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आदरणीय जुमवाल साहब SSP कठुआ रहेंगे, और उनके साथ बड़े बड़े आला तरीन ऑफिसरान और सभा सोसाइटियों के हमारे जो जितने भी प्रधान हैं, जितने भी आगू लोग हैं, वो आएंगे और इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, और यहाँ पर पाठी जी संगत को नौनिहाल करेंगे, और वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का एक बेहतरीन नमूना होगा, उनके शब्द सुनने के योग्य है। और हम सब लोग इन प्रोग्रामों पर चलें, और उसके बाद एक प्रोग्राम और है 7 तारीख को, वो श्री ईश्वर स्वामी गुरुदेव गुरु महाराज का जन्मदिन है, हमने उसको भी मनाना है, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कालीबड़ी में हमारी संगतें वहाँ पर कटी होंगी, और श्री गुरु रविदास सभा कठुआ पूरी कमेटी के मेम्बरान और जितने भी हमारे अनुयायी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो वहाँ पर तशरीफ ले आएंगे, और गुरु महाराज के पवित्र हाथों से केक को काटा जाएगा, और उसके जन्मदिन की हम बधाई देंगे उनको, और आई हुई संगत का शुक्रिया अदा करेंगे, और वहाँ पर छोटा सा सत्संग भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय शिव।